हेलो गाइस, ये बैटरी हमारे पास आई हुई है, कंपनी की बैटरी है। उसमें ये प्रॉब्लम है कि बैटरी बिल्कुल बैकअप नहीं दे रही है। 2.5 से 3 घंटे बैकअप भी इसका नहीं है। चाहे आप 10 घंटे चार्ज लगाएं, चाहे 20 घंटे चार्ज लगाएं, बैकअप इसका बिल्कुल ही 10 से 15 मिनट है। और ये हमारे सुभाष भाई सामने बैठे हुए हैं, ये आपको यहाँ पर बताएंगे कि इस बैटरी में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है जो आप घर बैठे रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों चलो आपको दिखाते हैं। जैसे हर बार की तरह हम सबसे पहले अपनी बैटरी चेक करते हैं, फिर चेक करने के बाद आपको सोल्यूशन दिखाएंगे कि बैटरी किसका हमें क्या करना है। फिर एक बार हम ग्रिप्टी को चेक करेंगे। हमारे भैया थोड़ा कैमरा करीब में लाएंगे, आप देख सकते हो पूरी तरीके से हमारी बैटरी की ग्रिप्टी जीरो है। जब हमारी बैटरी की ग्रिप्टी जीरो होगी मतलब आप ये समझ लो ये बैकअप बिल्कुल आपका जीरो है। यहाँ तक ग्रिप्टी जीरो का गाइस मैं आपको बता दूं क्या हो सकता है। जैसे कि जो हम एसिड चेक ग्रिप्टी चेक करते हैं तो हमारा ये जो अंदर का पॉइंट है ये उठता है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे अंदर वाला थर्मामीटर बिल्कुल नहीं हमारा उठ रहा है, बिल्कुल नहीं उठ रहा। और ये कैसे उठता है एक बार यहाँ पर प्रैक्टिकल दिखाइए। प्रैक्टिकल अभी हम चेक करके दिखाएंगे। एक बार यहाँ दिखा दीजिए, ये हमारी बैटरी आप देख रहे हो ग्रिप्टी उठी है, चार्ज बैटरी है। ये देखिए अंदर वाला कैसे उठ रहा है, उठा देखा है हमारी ग्रिप्टी पूरी इसमें रेडी है जी, ठीक है। और तो इस टाइप से हम फिर से यहाँ पे देखिए गाइस अंदर वाला करेंगे अपना चेक। देखो पूरी तरीके से हमारी ग्रिप्टी डाउन है, आप अच्छे से देख पा रहे हो अंदर वाला मीटर बिल्कुल नहीं हमारा उठ रहा क्योंकि हमारी ग्रिप्टी बिल्कुल डाउन है। यहाँ पर सभी खानों में बिल्कुल ग्रिप्टी जीरो है हमारी। देखा गाइस सभी खानों में लगभग ग्रिप्टी जीरो है और ये हमारा लास्ट बचा हुआ है। तो दोस्तों ये हमारी ग्रिप्टी की बात है, जहां तक वो पूरी हमारी हो चुकी, मैंने आपको ग्रिप्टी चेक करी दिखाई। अब हमारे पास एक और रीजन हमारा बैटरी का बसता है कि हमें ये देखना है कि हमारी खूटी, ये जो हमारे मेन पॉइंट के सेल होते हैं, ये देखना कि हमारे सेलों पे कहीं लूजिंग तो नहीं या सेल हमारे कहीं छुटे हुए तो नहीं है। तो इसके लिए हम प्लास अपना पकड़ेंगे और हम देखेंगे क्या है। आपको देख पा रहे होगा ठीक से, ये बैटरी हमारी यहाँ से लूजिंग दे रही है। ये देखो ये खूटी हमें दूसरी नई लगानी पड़ेगी, नई खूटी लगाएंगे तब जाकर ये हमारा जो बैटरी की ये लूजपन ये हमारा यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और पूरी तरीके से हमारा बैकअप आ जाएगा। जब हम ग्रिप्टी उठा के रेडी कर देंगे बैकअप आ जाएगा। तो देखा गाइस आपने सुभाष भाई ने कितने बेहतरीन तरीके से आपको समझाया। ये हमारा प्लस पॉइंट टर्मिनल है जिसे इंजन खूटी हम कह सकते हैं। तो ये अंदर से हमारी लूज है तो सबसे पहले इसे हम खोल के रिपेयर करके देखेंगे और आपको ये बैटरी पूरी खोल कर भी दिखाएंगे कि बैटरी में कहीं हमारे और भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आइए गाइस सबसे पहले शुरू करते हैं। तो ये देखिए गाइस मेन काम हमारा यहाँ पर सबसे बड़ा है बत्ती जलाना। सबसे बड़ा काम हमारा यही है बत्ती को सेट करना कि हमें कितने पे बत्ती चलानी है। सबसे बड़ा काम हमारा यहाँ पे है बत्ती को हाथ पे सेट करना। अगर आप हाथ सेट नहीं कर पाएंगे तो हमारा और भी लॉस या नुकसान हो सकता है। बॉडी जल सकती है, टर्मिनल जल सकते हैं, प्लेटें खराब हो सकती हैं। यहाँ पर देखिए हमारे सुभाष भाई यहाँ पर ये खूटी को गला रहे हैं। खूटी को गलाने के बाद ही ये बाहर निकलेगी। ये दोस्तों आप देख सकते हो कि इतने आराम से ये हमारी खूटी कभी निकलती नहीं है, मतलब ये हमारी खूटी बैटरी में आधी जुड़ी है। ये आप देख सकते हो सिर्फ ये हमारी खूटी इतनी जुड़ी हुई थी, बल्कि हमारी खूटी इतनी नहीं। और ये आप चारों तरफ देख रहे होगे ये कार्बन हमारा आ चुका है जिसकी वजह से खूटी गल चुकी जी, कार्बन की वजह से। और सबसे बड़ा हमारा बैटरी में रीजन हमारा ये है कि ये जो बैटरी का बक्सा होता है पूरा जी हाँ, ये खूटी और ये खूटी बक्से में भिड़नी चाहिए, बल्कि ये खूटी ऐसा नहीं है बीच वाली जुड़ेगी तो लू जाएगी और अंदर की हमारी प्लेटें कतरने का पूरा चांस रहेगा। इसी प्रकार हम ये वाली खूटी देखेंगे, ऊपर से तो हमें ये खूटी लग रही बिल्कुल हमारी ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब हम गर्म करेंगे उसके बाद ही ये पता लगेगा हमारी बैटरी की खूटी ये ढीली है या नहीं है। तो आइए गाइस चलिए इस टर्मिनल को भी हम चेक करते हैं जैसा कि सुभाष भाई ने बताया। तो मैं अपने सब्सक्राइबर से यही कहना चाहता हूँ कि जिनकी भी बैटरियाँ बैकअप नहीं देती हैं वो एक बार प्लीज अपने अपने टर्मिनल मतलब बैटरी की खूटियों को जरूर चेक कर लें कि कहीं वो गली या खराब या लूज तो नहीं है। हमारे भैया कैमरा थोड़ा करीब में लाएंगे। बिल्कुल भाई आप ये 100% देख सकते हो, इसमें ना ही कोई
दो राय वाली बात है। यहाँ पे ये देखो, ये खूंटी जो आप हमारे देख पा रहे हो इतनी, मतलब ये हमारी खूंटी छुटी हुई है और ये जो हमारी मेन खूंटी है ये बिल्कुल अलग है। जब हम अपना इन्वर्टर के तार लगाएंगे बैटरी पे तो क्या होगा, हमारा बैकअप आधा रह जाएगा। ये खूंटी इतनी गर्म पड़ेगी हमें लगेगा, और गर्म पड़ने की बजाय क्या होता है, हमारे जो कंपनी के इन्वर्टर होते हैं उनकी रिले जल्दी कट कर देती है, तभी हमें लगता है कि हमारा बैटरा पूरी तरीके से खत्म है। तो ये खूंटी भी हम नहीं लगाएंगे। यहाँ पर दोनों टर्मिनल चेंज करने की जरूरत पड़ेगी हमारे लिए, और चेंज कैसे करेंगे ये हमारे सुभाष भाई आपको दिखाएंगे आज। यहाँ पर दोनों प्लस माइनस खूंटियाँ कैसी आप चेंज करेंगे। तो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बैटरी बैकअप ना देने के कई कारण हो सकते हैं, ग्रिप्टी कम होना, खूंटियाँ खराब होना, उन पर कार्बन आना, फुल चार्ज ना होना, अंदर से सेल खराब होना, अंदर से प्लेटें खराब होना। ठीक है, आप हमारी सभी वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि आपको क्या क्या और कहाँ पे क्या करना है। ये देखो, जिस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हमारी बैटरी की एक खूंटी बिल्कुल जराफ लगी हुई थी, और आप देख पा रहे होगे बिल्कुल सेम वही जैसा मैंने आपको बताया, वही चीज है निकली इसमें। देख तो ये देखो, अब अच्छे से देख पा रहे होंगे। तो अब हम मेन खूंटी बनाने का काम करेंगे। तो गाइस आपने एक चीज नोट की, हमारे जो टर्मिनल है ये अंदर से सैर निकलते हैं, ऊपर से कैप लगता है, ये हमारा जो कवर है ऊपर से कैप लगने की वजह से ये चीज जो अंदर से उसमें सोल्ड करी जाती है मशीन से। अब यहाँ पर क्या हुआ, कुछ समय चलने के बाद ये जो चीज है ये लूज हो जाती है, अंदर से ऊपर की पकड़ जो नहीं पकड़ पाती है, जिसकी वजह से बैटरी हमारी चार्ज नहीं होती है और ये खूंटियाँ गर्म पड़ने लग जाती हैं जी, और गर्म पड़ने की वजह से ये चार्ज नहीं होती है और बैकअप नहीं देती है। तो सबसे पहले हमारे सुभाष भाई यहाँ दोनों खूंटी को चेंज करके आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, वो हमें यहाँ पर ज़्यादा लेड, जिसे रांगा बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश शोल्डर बोलते हैं, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए। तो वो थोड़ा सा ही गर्म कर रहे हैं जितनी उनको ज़रूरत है। वैसे तो वो कढ़ाई में गर्म करते हैं, ज़्यादा जितना ज़रूरत होता है 10 किलो 20 किलो 5 किलो जो भी जो बैटरी बनाई जाती हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी ज़रूरत है उनके लिए, तो वो थोड़ा ही गर्म कर रहे हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर रांगा गला जा रहा है, ये रांगे की रॉड है, ये रॉड गला रहा है यहाँ पर। तो मैं कहना चाहता हूँ गाइस, जिसे भी काम सीखना हो तो अगले आने वाले समय में हम लोग एक ऑनलाइन वेबसाइट बनाएंगे, आप घर बैठे आप सीख सकते हैं, आपको यहाँ पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बस एंट्री लीजिए, एंट्री लेने के बाद आप घर बैठे कोर्स पूरा कर सकते हैं, जिसमें सुभाष भाई आपको लाइव आकर हमेशा काम बताएंगे 24 घंटे, और क्या कहना है, ज़िंदगी भर आपकी हेल्प करेंगे जब तक आपको ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पर देखिए, इन्होंने रंगा गला लिया है, और ये हमारी डाई है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये हमारी डाई है जिसमें ये खूंटी बनाएंगे, और आपको दिखाएंगे किस प्रकार आप घर बैठे रिपेयर कर सकते हैं। आप गाइस ये देखिए कि सुभाष भाई ने किस प्रकार कितनी बेहतरीन तरीके से ये खूंटी बनाई है। आपके पास अगर डाई हो तो आप घर बैठे इस डाई से रिपेयर कर सकते हैं, बस आपके पास डाई होना ज़रूरी है और गैस वेल्डिंग। ये देखिए, रंगा डाल रहे हैं, और गाइस यहाँ पर हमारी दोनों खूंटियाँ तैयार हो चुकी हैं, आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। मैं आपको एक बार फिर दिखा दूँ, हालांकि खूंटियाँ गर्म हैं, पकड़ना मत भाई, ज़्यादा गर्म खूंटियाँ हैं, बहुत गर्म है खूंटियाँ पर। देखिए हमारी दोनों खूंटियाँ तैयार हो चुकी हैं माइनस प्लस की। दिखाएंगे रखकर खूंटी। तो गाइस पहले का आप नीचे का कार्बन अच्छी तरह से साफ करके उसके बाद आप खूंटी रख के फिर उसको आप जोड़ेंगे।
तो गाइस यहाँ पर देखा आपने, सुभाष भाई ने यहाँ पर एक खूंटी तैयार कर दी है, अब वो दूसरी करने जा रहे हैं। कितनी बेहतरीन तरीके से उन्होंने खूंटी बनाई है। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि अंदर का जो कार्बन है वो आपको एक साइकिल की तीली से साफ करना पड़ेगा। साइकिल की तीली गलती नहीं है आग से, तो पहले आप इसका कार्बन वगैरह छुटाएंगे, पहले अंदर से गर्म करेंगे टांगे के लिए, उसके बाद रॉड से भरेंगे। दोनों कोटियां हमारी तैयार है भैया। हेलो गाइस, अगर आपको सुभाष भाई की वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोग अपने घर बैठे बैठे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, जिन भी दोस्तों के लिए डाई वगैरह चाहिए हो तो वो प्लीज़ अपना नाम एड्रेस हमारे दोनों व्हाट्सएप नंबर पर डाल दें और आपकी डाइयाँ आपके घर पहुँच जाएंगी। तो वहाँ पर आप अच्छी तरीके देखिए इस बैटरी में कितना करंट आ चुका है। ये देखिए हमारी बैटरी फुल्ली चार्ज है, बैटरी फुल्ली चार्ज है हमारी। कोटिंग में जो केबल फॉल्ट आ रहा था बस खूंटियों हमारा दूर हो गया, जैसा कि सुभाष भाई ने बताया खूंटियों की वजह से फॉल्ट आ रहा था, उन्होंने खूंटियां रिपेयर कर दी और ये बैटरी हमारी बिल्कुल ओके हो चुकी है। अब हमारा कस्टमर जो बैटरी लेके आया था उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप इसी तरीके से गाइस अपने घर बैठे अपनी बैटरी रिपेयर कर सकते हैं, और किसी भी जानकारी के लिए आप कॉल करें। और हाँ गाइस, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, तो प्लीज़ नाइट में 12 बजे के बाद सुबह 6 बजे से पहले कॉल ना कीजिएगा, क्योंकि आप भी समझदार हैं, हमारा भी सोने का टाइम होता है। कई बार मैंने देखा सब्सक्राइब हमारे रात में 11-11 बजे, 12-12 बजे, 1-1 बजे, 2-2, 3-3 बजे कॉल करते हैं, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। देख रहे हैं।